गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास में आपका वेलकम है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज का हमारा जो वीडियो है वो फाइव एंड सिक्स डिजिट नंबर्स। अभी तक थर्ड क्लास में हम पढ़ चुके हैं, फोर डिजिट तक के जितने भी नंबर हैं वो हम सब पढ़ चुके हैं थर्ड क्लास में। तो एक बार रिपीट करवाते हैं हम। तो डिजिट टोटल होते कितने हैं? तो टोटल जो डिजिट हैं वो होते हैं 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब आप इनमें देखोगे तो सबसे जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो कौन सा है? वो है आपका 0 एंड लार्जेस्ट डिजिट है 9। तो जब आप टू डिजिट का कोई भी स्मॉलेस्ट आप नंबर बनाओगे तो उसमें आप जीरो को तो आगे लगा नहीं सकते हो, क्योंकि अगर जीरो आगे आएगी तो इसमें इसका कोई वैल्यू होती नहीं जीरो की आगे लगाने पे। तो जीरो के बाद जो इससे बड़ा नंबर है वो है वन, तो इसलिए वन को पहले लिया, उसके बाद जीरो। तो आपका हो गया टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। सेम ऐसे ही टू डिजिट का जब लार्जेस्ट नंबर हमें चाहिए तो जो लार्जेस्ट डिजिट है वो है 9। और जब टू डिजिट का हमें नंबर बनाना है तो 9 को 2 टाइम रिपीट किया जाता है, और आपका जो टू डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है वो है 99। सेम ऐसे ही थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो जाएगा 100, एंड थ्री डिजिट का लार्जेस्ट जो नंबर होगा वो आपका 999। सेम ऐसे ही फोर डिजिट का लार्जेस्ट 1000, एंड फोर डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है वो होगा आपका 9999। सेम ऐसे ही आपका फाइव डिजिट का होगा जो होगा आपका 10000, और फाइव डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा आपका 99999। अब हम आगे बात करेंगे सिक्स डिजिट के जो नंबर्स होंगे। अब सिक्स डिजिट में जब आगे आप नंबर पढ़ोगे तो ये इसकी आगे टू टाइप है, तो दो टाइप में आगे जाके बढ़ जाते हैं। तो जो इसकी फर्स्ट टाइप है वो है हिंदू अरेबिक सिस्टम, जो जैसे हम इंडिया में जो यूज करते हैं, जैसे 1000, 10000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, या इसको हम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम बोल सकते हैं। और जो सेकंड है वो है इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो नंबर सिस्टम यूज किया जाता है उसको हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो इससे पहले हम आपको समझाना चाहते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होगी? जैसे हम फाइव डिजिट का कोई भी नंबर पढ़ेंगे तो हम लास्ट में जो नंबर होता है उसको बोलते हैं बिल्कुल यूनिट डिजिट जो है उसको हम बोलते हैं वंस, उसके बाद टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10000। अब जो आपका यूनिट प्लेस पे यानी कि वंस प्लेस पे 7 है, इसके बाद 10 प्लेस पे 8 है, 100 पे 3 है, 1000 पे 4 है, 10000 पे 5 है। तो इसमें अगर हम फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू यानी कि जो नंबर आप देख पाओगे, जैसे यहां पे आपको इसकी जो फेस वैल्यू आपको पूछी गई है यानी कि जो चीज आपको दिखाई दे वही उसकी फेस वैल्यू है। यानी यहां पे आप देख पा रहे हैं यहां पे 8 है, तो इसकी जो फेस वैल्यू है आप क्या देख पाते हैं, यहाँ पे आपको 8 दिखाई देता है, तो यही इसकी फेस वैल्यू होगी। तो प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें कि ये जो 4 की हमने बात की थी अभी, ये कहाँ पे है, प्लेस क्या है इसका? जैसे 4 नंबर आपके जो फेस वैल्यू हो गई, उसकी प्लेस कहाँ पे है? 1000 पे। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी इसकी 4000। ऐसे ही जो 3 है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 3, और किस प्लेस पे, 100 वाले प्लेस पे है, तो इसकी जो
लिचुअल जो है वो होगी 300। तो अब आगे हम बात करते हैं हिंदू अरेबिक टेबल जो 6 डिजिट के लिए यूज की जाती है। जो हिंदू अरेबिक यानी कि जो इंडिया में यूज की जाती है टेबल, वो है आपकी वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लाख। जो इंडिया में यूज किया जाता है टेन, इसी लाख के बाद भी होता है 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़, ऐसे ही आगे भी टेबल चलती है। लेकिन अभी हम बात करेंगे 6 डिजिट तक की टेबल। जैसे हम इसमें देखेंगे कि ये इसमें एक जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वंस, टेंस और हंड्रेड के बाद आपको एक कोमा लगा सकते हैं। उसके बाद जो 2 डिजिट हैं 9 एंड 3, ये थाउजेंड वाली प्लेस पे आते हैं। तो दो के बाद उसके बाद फिर कोमा। अब आप देखेंगे कि प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर क्या है। जैसे 4, ये प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, 4 लाख, तो ये हो गया 4 लाख। इसके बाद इन दोनों को एक साथ लेंगे क्योंकि दोनों ही 1,000 और 10,000 के प्लेस पे हैं, तो ये हो गया आपका 39,000। इसके बाद कोमा आ गया, तो इसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं, इन तीनों को एक साथ देखेंगे तो ये होगा 800 और इनको दोनों को मिलाएंगे तो 47। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे आपको दिया गया है 398042, तो इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे। जैसे अब इस पे जो भी आपके प्लेस वैल्यू आपको बताया गया है हिंदू अरेबिक में, जो भी आपकी प्लेस वैल्यू की जो टेबल अभी ऊपर लिखी हुई आपको दिखाई दे रही है, यही वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और लाइक, ये इनके ऊपर लिख लेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लाइक। इसके बाद आपको जो बताया था कि जो हमें कोमा लगाना है वो लास्ट के 3 डिजिट हम छोड़ देंगे, 1, 2, 3। इसके बाद 1, 2। अब आप देखोगे यहाँ पे 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो कहाँ पे है, वो है लैक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 लैक। इसके बाद 1,000 वाली जो प्लेस वैल्यू है तो कितना हो गया, दोनों के साथ एक साथ लेंगे 98,000। इसके बाद आपको दिखाई दिया कि 100 के जो प्लेस है उस पर 0 है, तो 0 अगर आगे हो तो भी आपको पहले भी बताया था कि उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। तो भी आप हमारे पास बचा 42, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 42। तो आपका जो पूरा नंबर हो गया 3,98,042। तो ऐसे ही इंटरनेशनल जो टेबल है वो आपको दिखाएंगे अभी। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा जहाँ पे हम इसमें हिंदू अरेबिक में लेके आते हैं कि 10,000 के बाद सीधा लैक आता है, लेकिन इस टेबल में थोड़ा सा चेंज है। इसमें वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, इसके बाद लैक नहीं आता है, इसके बाद आपका आता है 100,000। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, जैसे आपको पहले बता, इसमें तीन तीन के बाद ही कोमा लगेगा। जैसे यहाँ पे कोमा लग गया, उसके बाद जो तीन प्लेस है 1,000 के ही प्लेस है, 1,000, 10,000 और 100,000। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, ये इन तीनों को मिलाओगे तो क्या हो गया 439, और साथ में क्या है इनके, इनके साथ में 1,000, तो आपका हो गया 439,000। और इसके बाद है 847। तो इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने वही सेम नंबर जो ऊपर आपको बताया था 398042, अब इसी नंबर को हम लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। तो जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की टेबल है वो इसके ऊपर हम पहले लिख लेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 एंड 100,000। इसके बाद हम इसमें कोमा कितने के बाद लगाना, 1, 2, 3, इसमें भी तीन के बाद ही लगेगा 1, 2, 3, आगे कोई डिजिट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3,000, सॉरी 398,042।
98,042 ये सेम ही रहेगा, क्योंकि उसमें चेंज हो गया था ऊपर वाले में, जो हिंदू अरेबिक था उसमें आ गया था, थाउजेंड के बाद लैक आ गया था। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे थाउजेंड था उसके बाद लैक, तो यहाँ पे क्या हो गया था, 4,39,847, और इसमें आपका हो गया था 3,98,042। लेकिन यहाँ पे जो नंबर सिस्टम आपका इंटरनेशनल वाला है, इसमें आपका आ जाता है 10,000 के बाद 100,000, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, अभी ये 398,000 एंड 42। तो धन्यवाद, आज की क्लास आपकी यहीं तक होगी, और अभी आगे का जो भी होमवर्क होगा, आपको एक पिक्चर के माध्यम से आपको ग्रुप में मिल जाएगा। धन्यवाद।